हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे प्याज के पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए मैंने आधा किलो प्याज को छील के लंबाई में काट लिया है। दो हरी मिर्च साफ पानी से धो के बारीक काट लेंगे। एक सौ पचास ग्राम बेसन, बेसन को छन्नी में छान लेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, देगी मिर्च ली है मैंने, ये तीखी कम होती है, एक छोटी चम्मच साबुत धनिया। धनिए को हथेली के बीच में इस तरह से मसल के डालेंगे। एक छोटी चम्मच धनिया, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मैंने डेढ़ छोटी चम्मच नमक लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। पकौड़े बनाने के लिए हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। प्याज के मिश्रण को इस तरह से शेप दे देंगे और गरम तेल में डालेंगे। पकौड़े फ्राई करने के लिए तेल को मीडियम गरम कर लेंगे। चार पांच हरी मिर्च लेंगे पकौड़ों के साथ खाने के लिए। आप हरी मिर्च के बिना भी पकौड़े खा सकते हैं। मिर्चियों को साफ़ पानी से धो लेंगे और इनके ऊपर लगे पानी को साफ़ कर लेंगे। सभी मिर्चियों में चाकू की हेल्प से इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने से जब हम हरी मिर्च को फ्राई करेंगे गरम तेल में, मिर्ची पटकेगी नहीं और उछल के हमारे ऊपर नहीं आएगी। मिर्च को फ्राई कर लेंगे। मिर्च को फ्राई करते समय कढ़ाई से थोड़ा दूर रहेंगे। मिर्चियों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। मिर्ची फ्राई हो गई है, इनके ऊपर एक चुटकी नमक छिड़क लेंगे। थोड़ा सा मिश्रण तेल में डाल के देखेंगे। तेल में अच्छे बबल्स आने लगे हैं। पकौड़े का मिश्रण तैर के तेल के ऊपर आ गया है। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है पकौड़े फ्राई करने के लिए। एक एक करके पकौड़ों को तेल में डालेंगे। जितने पकौड़े एक बार आसानी से तेल में आ जाएं उतने ही फ्राई करने हैं। पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में अलटते पलटते रहेंगे। पकौड़ों ने अपनी शेप ले ली है, इनको पलट देंगे। पकौड़े डालने के बाद तेल का टेम्परेचर अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा। पकौड़े फ्राई हो गए हैं, निकाल लेंगे तेल में से। बाकी बचे हुए मिश्रण से भी इसी तरह से पकौड़े बना लेंगे। सारे पकौड़े बनाने के बाद गैस फ्लेम बंद कर देंगे। प्याज के पकौड़े बन गए हैं। दो बैच फ्राई कर लिए हैं मैंने, एक बैच अभी कढ़ाई में है। पकौड़ों को मैंने टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप पकौड़े चाय के साथ और हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। हरी चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको प्याज के पकौड़े की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।